गाइस, मैं हूं ज्योति विश्वकर्मा, आपकी होस्ट, और स्वागत करती हूं आप सभी का नव भारत डिजिटल में। दोस्तों, बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू की हालिया में फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम है हसीना दिलरुबा। मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म को बहुत ज्यादा पसंद किया गया है। इसमें जो है ऑडियंस को तापसी पन्नू की अदाकारी है वो बेहद ज्यादा पसंद आई है, एंड वाकई में उनकी अदाकारी बहुत ज्यादा अच्छी भी है इस फिल्म में। लेकिन यहाँ आपको बता दूं कि हर किसी पर टिप्पणी करने वाली कंगना रनौत की बहन रंगोली चंदेल ने तापसी पन्नू और उनकी फिल्म पर टिप्पणी कर दी है, जिसके बाद तापसी पन्नू को इस बात का बुरा लगा और उन्होंने सीधा पलटवार भी कर दिया है। अब आइए जानते हैं इस वीडियो में कि रंगोली चंदेल ने आखिरकार तापसी पन्नू पर क्या कहा और क्यों कहा। तापसी पन्नू, विक्रांत मैसी और हर्षवर्धन रानी की फिल्म हसीन दिलरुबा हाल ही में ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। फिल्म को लोगों से मिला जुला रिस्पॉन्स मिला है, जहां दर्शक फिल्म में तापसी पन्नू के रोल की काफी तारीफ कर रहे हैं, तो वही कंगना रनौत की बहन रंगोली चंदेल के बयान ने तो विवाद ही खड़ा कर दिया है। रंगोली तापसी को सस्ती कंगना रनौत बताते हुए फिल्म के लिए अदिति राव हैदरी को एक अच्छी चॉइस बताई है। अब इस पर खुद तापसी पन्नू ने भी इस पर जवाब दे दिया है। वेल दोस्तों, रंगोली के कमेंट पर तापसी पन्नू ने खुद को ही फालतू इंसान बता दिया है। तापसी ने कहा है कि अच्छा है कि मेरा निभाया हुआ एक किरदार बाकियों के लिए प्रेरणा बन गया है। हॉलीवुड है ना, तो सब चलता है वहाँ, भले ही कितनी ही खामियां क्यों ना हो। यहाँ बॉलीवुड में हम चाहे जितनी एक्सपेरिमेंट कर ले, लेकिन वो कम ही रह जाता है, इसलिए हम उनके लिए फालतू लोग हैं। मुझसे पहले ये रोल किसी और को दिया गया था, लेकिन एन वक्त पर दूसरी एक्ट्रेस ने इनकार करने पर ये फिल्म मेरी झोली में आ गई। इससे पहले रंगोली ने कहा था कि फिल्म के लिए तापसी पन्नू की बजाय अदिति राव हैदरी ज्यादा अच्छी पसंद होती। रंगोली ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा था, मुझे समझ नहीं आता कि आखिर अदिति राव हैदरी जैसी खूबसूरत एक्ट्रेस को हसीन दिलरुबा जैसी फिल्मों में क्यों नहीं लिया। वो एक मॉडर्न पत्नी के रोल के लिए एक परफेक्ट चॉइस होती, आखिर तापसी को क्यों लिया। तापसी इस रोल के लिए बहुत एथलीट और स्ट्रांग लगती हैं। ये कंगना रनौत के नाम का सुरूर आपके सर से उतर क्यों नहीं रहा है। इंडस्ट्री में केवल एक ही कंगना रनौत हो सकती है, वही तापसी तो सस्ती कंगना भी नहीं बन सकती है। प्लीज इंडस्ट्री में मौजूद बाकी टैलेंट पर भी नजर डालिए और गलत कास्टिंग के कारण फिल्मों को खराब तो मत करिए। तो दोस्तों, इसको लेकर क्या है आपकी राय, रंगोली चंदेल के इस बयान को लेकर आप क्या कहेंगे, कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूले और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, इसको लेकर क्या है आपकी राय, कि आपने तापसी पन्नू की फिल्म हसीन दिलरुबा देखी, और अगर देखी है तो आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूले और हमारे चैनल नव भारत डिजिटल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू।